आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनको दिवाली में कुछ ना कुछ बोनस मिलता है या कुछ मोटा अमाउंट आपको मिलता है। जी हाँ, जो लोग यहाँ पे जॉब कर रहे हैं उनको तो यहाँ पे बोनस मिलता ही मिलता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आप SIP नहीं भी कर रहे हो, सिर्फ साल के बोनस अमाउंट को अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो बहुत बड़े रकम को खड़ा कर सकते हो और ये रकम आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। जी हाँ, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना हो, अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग करना हो या फिर अपने बुढ़ापे में कुछ अपने एक्सपेंसेस को मेंटेन करना हो, तो जो सिर्फ साल का बोनस आ रहा है उस बोनस के हेल्प से ही आप यहाँ पे करोड़ों रुपए खड़ा कर सकते हो। आप शायद सुन के शॉक्ड होगे, मैं यहाँ पे ये भी बोलता हूँ कि अगर आप SIP मंथली नहीं करना चाहते हो और सिर्फ बोनस के पैसे को आप सिर्फ इन्वेस्ट कर रहे हो तो कैसे हम बहुत बड़े रकम को यहाँ पे खड़ा कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम इसके इर्द गिर्द ही बात करेंगे, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। कौन सा म्यूचुअल फंड आपके पोर्टफोलियो के लिए बेहतर होगा, कौन से म्यूचुअल फंड को आप अपने पोर्टफोलियो से बाहर का रास्ता दिखाओ, पोर्टफोलियो का डिजाइन और एलोकेशन कैसा होना चाहिए, किस म्यूचुअल फंड में हम कितना पैसा लगाएं, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो का विश्लेषण स्टार्ट करते हैं। देखो, कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको दिवाली का बोनस मिलता है। हो सकता है उनका बोनस 20,000 हो, उनका बोनस 50,000 हो या फिर 1 लाख रुपए के करीब हो। जी हाँ, मैं ये तीन एग्जाम्पल के साथ कैलकुलेशन करूंगा और देखेंगे कि हम यहाँ पे कितना बड़ा रकम तैयार कर सकते हैं। सिर्फ साल का जो ये बोनस है इसी को इन्वेस्ट करना है आपको म्यूचुअल फंड में। आपको एक पोर्टफोलियो डिजाइन करना है, यहाँ पे 4 से 5 फंड का एक पोर्टफोलियो डिजाइन करना है और साल का, जी हाँ, साल में जितना आपका बोनस आ रहा है सिर्फ आप अपने बोनस को अपने पोर्टफोलियो में पार्क कर दो। चलिए सबसे पहले ये कैलकुलेशन करते हैं कि आपका अगर यहाँ पे दिवाली का जो बोनस है वो 20,000 रुपए के करीब में है, तो अगर मान लो आप हर साल ये 20,000 रुपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो यहां पे 14% के रेट ऑफ रिटर्न पे 20 साल में, जी हां 20 साल में आपके पास जो रकम होगा ऑलमोस्ट 20 से 21 लाख रुपए के करीब में होगा। सिर्फ आप बोनस का पैसा ही जमा कर रहे हो और कुछ भी SIP नहीं कर रहे हो, 20 साल में 20,000 का बोनस 14% के रेट ऑफ रिटर्न पे यहाँ पे 20 से 21 लाख रुपए देखने को मिलता है। जबकि अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखे तो सिर्फ 4 लाख है, लेकिन आपका पैसा काफ़ी बड़ा होता हुआ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैं ये समझ लूँ कि आपका जो दिवाली का बोनस है वो 50,000 अगर हर साल एक पोर्टफोलियो में आप पार्क करते हो, 4 से 5 म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो एलोकेशन के साथ, तो देखो 20 साल में 14% के रेट ऑफ रिटर्न पे ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका जो पैसा है 52 लाख के करीब में देखने को मिलेगा। हर साल जो आपको बोनस मिलता है, मान लो आपका हर साल 50,000 का बोनस है, तो हर साल इस पैसे को आपको इन्वेस्ट कर देना है। महीने का जो आपका SIP कर रहे हो उसका टेंशन ही नहीं है, आपको उस SIP का करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सिर्फ बोनस से ही आप यहाँ पे 52 लाख रुपए खड़ा कर दिए। चलिए एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूँ। मान लो आपका यहाँ पे दिवाली का बोनस 1 लाख रुपए के करीब में है। अब 1 लाख का यहाँ पे बोनस है, इसको आप अगर म्यूचुअल फंड में पार्क कर देते हो, हर साल इसको म्यूचुअल फंड में पार्क करते हो, यहाँ पे 14% का रेट ऑफ रिटर्न 20 साल में जो ये रकम देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 1 करोड़ के ऊपर देखने को मिलेगा। तो आपने ये आंकड़ा देख लिया, 20,000 का बोनस अगर आपने यहाँ पे 20 साल तक इन्वेस्ट किया तो आपको 21 लाख 20 लाख के करीब में देखने को मिला। 50,000 का बोनस साल में अगर आप म्यूचुअल फंड में यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो 14% के रेट ऑफ रिटर्न पे, 20 साल में यहाँ पे आपको 50 लाख के ऊपर देखने को मिला। और 1 लाख का बोनस आपका सालाना यहाँ पे आपको 20 साल में ऑलमोस्ट 1 करोड़ के ऊपर का रकम दे रहा है। तो ऐसे सिर्फ बोनस से ही, जी हाँ ऐसे सिर्फ बोनस से ही आप यहाँ पे 15 और 20 साल में बहुत बड़े रकम को तैयार कर सकते हो। बहुत ऐसे आप में से इन्वेस्टर होंगे जो बोनस का पैसा ज्यों हाथ में आता है त्यों आप खर्च कर देते हो।
अब थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन करो, इस पैसे को अगर आप सही जगह पार्क कर देते हो 15 और 20 साल में, तो आप कितना बड़ा पैसा तैयार कर सकते हो। यही नहीं, ये पैसा और भी बड़ा हो सकता है और आपका मंथली एक्सपेंसेस को भी बियर कर सकता है, आपका कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये फिनेंशियली हेल्प कर सकता है। अब देखो, जो 1 करोड़ रकम देखने को मिला, जो कि आपका सालाना मान लो 1 लाख का बोनस आ रहा, दिवाली के समय में आपने इन्वेस्ट किया, 20 साल के बाद 1 करोड़ का रकम देखने को मिला, अगर आप यहाँ पे समझते हो कि महीने का 40,000 रुपये यहाँ पे मुझे मिलता रहे, कुछ यहाँ पे फिनेंशियली हेल्प हो, हम कुछ एक्सपेंसेस को मेंटेन करें अपने बुढ़ापे के समय में, एक्सपेंसेस को मैनेज करने के लिए यहाँ से आप महीने का 40,000 का विड्रोवल सेट करते हो, सोच लो यहाँ पे 20 साल के लिए, जी हाँ नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए ऑन द एवरेज हम यहाँ पे 10% का रेट ऑफ रिटर्न लेते हैं, और जो यहाँ पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो 6% का, इट मीन्स कि इन्फ्लेशन के साथ आपका विड्रोवल अमाउंट भी इंक्रीज होगा। जी हाँ, तो वैसे में देखो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ का हो गया, आप यहाँ पे जो फर्स्ट SWP करोगे वो 40,000 का करोगे, लास्ट जो आपका SWP होगा जो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता जा रहा है, 20 साल के हमने लिया है, 20वें साल में सबसे लास्ट मंथ में आपका जो 1,32,000 का विड्रो होगा, यहाँ पे ड्यूरेशन 20 साल का, रेट ऑफ रिटर्न मैंने जो 10% लिया है, टोटल जो आप विड्रो कर दोगे वो 1,85,00,000 के करीब में, प्रॉफिट के तौर पे आपको 3,33,00,000 के करीब में देखने को मिलेगा, और बैलेंस आपका यहाँ पे 2,48,00,000 के करीब में फिर भी देखने को मिलेगा। इट मींस कि देखो, आपने यहाँ पे 1 करोड़ रकम तैयार किया, उस रकम से आप अपने कुछ मंथली एक्सपेंसेस को भी मैनेज किए, और 20 साल के बाद, जी हाँ 20 साल के बाद आपका जो अकाउंट में बैलेंस देखने को मिल रहा है वो 2,48,00,000 के करीब में। जी हाँ, तो 20 साल आपने इन्वेस्टमेंट किया, अपने बोनस को यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पार्क किया, और 20 साल के बाद आपने विड्रोल सेट किया यहाँ, और 20 साल आपने पैसा यहाँ पे निकाला, तो उसके बाद भी आपके अकाउंट में काफी बड़ा बैलेंस देखने को मिलेगा। तो ऐसे आप अपने बोनस के रकम को बहुत बड़ा रकम बना सकते हो। आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं, जी हाँ मैं जानता हूँ, जिनका बोनस इससे भी ज़्यादा हो सकता है या फिर इससे भी कम देखने को मिलेगा। हो सकता है कि उनका बोनस सालाना 15,000 हो या 18,000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका बोनस कम है कोई बात नहीं, आपका यहाँ पे पैसा जो है, जो फंड का वैल्यू देखने को मिलेगा 20 साल में, वो कम देखने को मिलेगा, लेकिन वो रकम भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आपका अगर मान लो यहाँ पे बोनस 13,000 रुपये है, तो आप 20 साल में 13,00,000 रुपये के करीब में जमा कर लोगे। आपका बोनस यहाँ पे 15,000 के करीब में है, तो 20 साल में सिर्फ बोनस से आप 15,00,000 रुपये यहाँ पे जमा कर लोगे। तो महीने का अगर आप SIP कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि नहीं SIP बर्डन है, मेरे बजट को डिस्टर्ब कर रहा है, जो मेरा प्राइमरी रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल भी नहीं कर पा रहे, लेकिन सालाना जो बोनस है, जी हाँ सालाना जो बोनस है, उस बोनस को आप म्यूचुअल फंड में पार्क करो, पोर्टफोलियो बना के यहाँ पे जो मैंने शुरुआती दौर में आपको बताया वैसे ही आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो, और धीरे धीरे आप देखोगे 15 और 20 साल में आप काफ़ी बड़े रकम के तरफ पहुंच जाओगे। मैं जानता हूं कि कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो बोनस की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दिए होंगे कि उस पैसे को कैसे एक्सपेंस करना है, उस पैसे को हम कहां पे खर्च करें, पहले से तैयार बैठे होंगे, लेकिन मेरी बात मानो, अगर इस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर स्टार्ट कर दोगे तो आने वाले 20 साल में, जी हाँ करोड़ों रुपए आप इकट्ठा कर सकते हो। आपका क्या कहना है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आएं। आने वाले टाइम में बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तभी स्टार्ट करें, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।